आप इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। पहला प्रश्न आपके सामने, वही भौतिक राशियां जिसमें केवल होती हैं और नहीं होती उसे अदिश राशियां कहते हैं। हमें पता है वही भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है उसे अदिश राशियां कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने बी। अगर आपसे पूछा जाए वही भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती हैं, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं, इसके साथ दिशा भी होते हैं तो उसे हम कहते हैं सदिश राशि। क्या कहते हैं? सदिश राशि। और जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा नहीं होती है उसे कहते हैं अदिश राशि। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तो हमें पता है वेग, विस्थापन, बल, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों के तीनों सदिश राशि हैं, ये तीनों के तीनों सदिश राशि हैं। लेकिन कार्य एक अदिश राशि है। इसका आपको ट्रिक याद रख लेना। ट्रिक क्या है, मैं पहले आपको सदिश राशि का ट्रिक बताता हूँ। सदिश राशि का ट्रिक है, यहाँ पे लिख देता हूँ विषुवत बल। अब इसका ट्रिक क्या है, ये आपको याद रखना है। बी से हो गया विस्थापन और सा से हो गया संवेग, वा से हो गया वेग, ठीक है, और ता से हो गया त्वरण, और एक बल है। तो विस्थापन, संवेग, वेग, त्वरण, ये सब क्या हैं? यह एक सदिश राशि हैं। इस ट्रिक को याद रखना है, विषुवत बल। और अदिश राशि की ट्रिक भी है, अदिश राशि की ट्रिक है उस आर्द्रता, मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख के बता दे रहा हूँ, उस आर्द्रता को चाबी दो। अब ऊ से क्या हो गया, मैं यहाँ बोलता हूँ, आप लिख लीजिएगा, ऊ से ऊष्मा, सा से समय, आ से आयतन, आ से आवेग और आ से आवेश, और यहाँ पे द्रा से द्रव्यमान, और यहाँ पे फिर आपके द्रा से क्या हो गया, द्रव्यमान। आगे क्या दिया गया है, का से हो गया कार्य, चा से क्या हो गया चाल, बी से क्या हो गया विद्युत धारा, और दा से क्या हो गया दूरी और दाब। ये हो गया आपका किसका, ये अदिश राशि का हो गया ट्रिक। तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? अभी हमें पता चला कि यहाँ पे कौन सी सदिश राशि है, तो ऊष्मा, कार्य, समय, ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये तीनों के तीनों अदिश राशि हैं। ये तीनों के तीनों अदिश हैं, लेकिन जो कोणीय गत है या क्या है, यह एक सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा, निम्नलिखित भौतिक राशियों पर विचार कीजिए, ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेग, तापमान, गुरुत्व, विभव और उपर्युक्त में से कौन सी सदिश राशियाँ हैं, आपको इसका उत्तर देना है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ दोस्त, ऊर्जा शक्ति दाब, तापमान, गुरुत्व, विभव, ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी अदिश राशि हैं। क्या है? सभी के सभी अदिश राशि हैं। केवल जो आवेग दिया गया है यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि, तो केवल आवेग इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दाब और ऊर्जा और कार्य तीनों के तीनों क्या हैं, तीनों के तीनों अदिश राशियाँ हैं, और इसमें जो संवेग दिया गया है, संवेग क्या है, संवेग एक सदिश राशि है, संवेग एक सदिश राशि है। तो आपको याद रखना है, संवेग हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, ये सभी के सभी क्या हैं, एक सदिश राशियां हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है?
तो अभी मैंने आपको बताया कि वेग, विस्थापन, बल, ये तीनों के तीनों क्या हैं, सदिश राशियां हैं। लेकिन जो आयतन दिया गया है, आयतन क्या है, आयतन एक अदिश राशि है, तो कौन सा सदिश नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। फिर आपसे पूछा गया सदिश राशि, तो हमें पता है चाल, समय, दूरी, ये तीनों के तीनों क्या हैं, तीनों के तीनों क्या हैं, अदिश राशि हैं। और विस्थापन है, विस्थापन क्या है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दोस्त वही प्रश्न कलेक्ट किया गया है जो पेपर में पूछा गया है, तो प्लीज़ इग्नोर मत करना, पूरी वीडियो ध्यान से देखना। इसमें मापन से जितने भी मापन के चैप्टर से प्रश्न आते हैं, सभी को एक ही वीडियो में कवर किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बल का एसआई मात्रक आपको बताना है, तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ये याद रखना है। और पास्कल जो होता है ये किसका होता है, दाब का होता है। पास्कल किसका होता है, दाब का होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, दाब का एसआई मात्रक को क्या कहते हैं। अभी मैंने बताया दाब जो है वो पास्कल का होता है, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। न्यूटन को मैंने अभी बताया बल किसका होता है, बल का होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है, आवर्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो आवर्ति का एसआई मात्रक जो होता है वह होता है हर्ट्ज, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। न्यूटन किसका बताया गया था, बल का पूरा बताया जाएगा, अभी मैं और पूरा नहीं बताऊंगा, क्योंकि आगे ऑप्शन के द्वारा हमें हल करना है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है। तो तापमान का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है केल्विन, क्या होता है, केल्विन, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। जूल किसका होता है, तो जूल होता है कार्य का, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वह क्या है, एम्पियर, एम्पियर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूल मैंने किसका बताया, कार्य का बताया, और न्यूटन मैंने किसका बताया, बल का बताया, ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं, तो आपको याद रखना है 746 वाट, ये भी प्रश्न याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। तो ध्वनि का क्या है, डेसिबल, न्यूटन का मैंने क्या बताया, बल, और हर्ट्ज किसका है, आवृत्ति का, ये भी याद रखना आवृत्ति का, और टेस्ला क्या है, टेस्ला चुंबकीय, ये भी याद रखना है चुंबकीय का, तो सभी को याद रखना है। तो ध्वनि का तीव्रता का एसआई मात्रक हो जाएगा डेसिबल। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। तो ऊष्मा का भी एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और कार्य का भी एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपके सामने ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो आपको पता है किलो कैलोरी भी ऊष्मा की इकाई है, कैलोरी भी ऊष्मा की इकाई है, और किलो जूल भी ऊष्मा की इकाई है, लेकिन वाट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो हमें पता है पास्कल किसका होता है, पास्कल होता है दाब का, और न्यूटन किसका होता है, न्यूटन होता है बल का, और तो वाट जो है, वाट किसका होता है, ऊर्जा का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपके सामने बी में दिया गया है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, त्वरण का एसआई मात्रक है। तो त्वरण का जो एसआई मात्रक क्या होता है, वह होता है सी मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति वर्ग सेकंड होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 का, केल्विन, केल्विन मापने की इकाई क्या है। तो मैंने बताया था केल्विन जो है वह तापमान का है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रतिरोध को मापने की इकाई, प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है। तो प्रतिरोध को जो मापने की इकाई है दोस्त, वह है आपका क्या, ओम, ओम इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने ये में दिया गया है। आपके सामने अगला प्रश्न है,
पारसेक इकाई क्या है? पारसेक जो है वह दूरी का है, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है, किसके बराबर है बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.25 प्रकाश वर्ष, जो कि ऑप्शन आपके सामने ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है, प्रकाश वर्ष होता है 22 का आंसर, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, या सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करता है, तो फर्मी जो है वह लंबाई व्यक्त करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है, तो यह किसका है? न्यूटन बटा कूलाम का, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई इकाई क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई इकाई टेस्ला, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है, तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई पूछा गया नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्त, गॉस जो है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है, टेस्ला भी है, और न्यूटन बाई एम्पियर मीटर भी है, बेबर ने खोज किया था, जो कि नहीं है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, समय की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, तो समय की इकाई अगर देखा जाए यहाँ पे बताना है, तो वर्ष, प्रकाश वर्ष, घंटा, दिन, इन में से चारों में से कौन सी नहीं है। तो समय की इकाई में दिन भी, वर्ष भी, घंटा भी है, ये तीनों के तीनों समय की इकाई है, लेकिन प्रकाश वर्ष नहीं है, क्योंकि ये दूरी की देती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपके सामने सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है, तो ऊर्जा की एसआई इकाई आपको पता है जूल, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है, अब देखिए जूल ऊर्जा का मात्रक है, अगर ऊर्जा का मात्रक जूल है, इसी तरह पास्कल किसका हो मात्रक है, तो यह है दबाव का, दाब का, जो कि ऑप्शन आपके सामने ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक मैंने बताया क्या है, जूल है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक बोल्ट इकाई होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक बोल्ट जो होता है वह ऊर्जा का इकाई होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। डाब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, डाब्सन इकाई का 33 का आंसर बताना, तो ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए डाब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियो धर्मिता की इकाई है, तो रेडियो धर्मिता जो है हमें पता है ऑलरेडी क्यूरी की इकाई हो, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है, 35 का, सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई होती है, आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाँच सेंटीमीटर के पावर माइनस टू, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है, जो उपभोग की जाती है या उत्पादित की जाती है या बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में हास्य हो जाती है, तो उत्पादित जो की जाती है बिजली, उसे मेगावाट बिजली नापने की इकाई होती है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, आवाज़ की माप का मात्रक क्या है, तो हमें पता है डेसीबल, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई, तो विद्युत प्रतिरोधकता की जो इकाई होती है वह ओम होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, यह मूल एसआई मात्रक नहीं है, 39 का आंसर देना है, तो मूल एसआई मात्रक की संख्या कितनी है, 7 है,
कैंडेला, एम्पियर, केल्विन, ये तीनों मूल एसआई मात्रक हैं लेकिन न्यूटन नहीं है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्यूरी किसकी यूनिट है, तो क्यूरी जो यूनिट है वो है रेडियो धर्मिता की, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक की इकाई मैक्सवेल है, तो मैक्सवेल जो होता है वो चुंबकीय पल्स का होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 42, निम्नलिखित में से कौन सा गति का मात्रक नहीं है, तो मीटर बाई सेकंड, किलोमीटर बाई घंटा, सेंटीमीटर बाई सेकंड है, तीनों के तीनों गति के मात्रक हैं लेकिन मीटर स्क्वायर घंटा नहीं है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं है, किस राशि का कोई मात्रक नहीं, इसका उत्तर देना है, तो आपेक्षिक घनत्व जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, इसका कोई मात्रक नहीं है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है, तो अभी अभी आपने पढ़ा कि आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, मैं आपको बता दूं अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जिस पर सर्च करना होगा एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर, वहां पे आपको इसका पीडीएफ निःशुल्क मिल जाएगा। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है, तो खाद्य ऊर्जा जैसे आपको मिला तो आपको कुछ नहीं करना है, जूल जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने यहाँ पर सॉरी दोस्त खाद्य लिखा है, खाद्य ऊर्जा तो कैलोरी में जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किलोवाट घंटा मात्रक किसका है, तो किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा का है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। एम्पियर क्या नापने की इकाई है, आपको बताना है, एम्पियर मैंने बताया आपसे कि एम्पियर जो है वो विद्युत धारा मापने की इकाई है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है, परिस्थितिकी दबाव को एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये होता है पास्कल, लेकिन बार भी यहाँ पे अगर आपको नहीं दिया गया है तो बार भी होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, फैराडे की इकाई की है, तो फैराडे की जो इकाई है वह कैपेसिटेंस है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भौतिक मात्रा प्रेरक की इकाई क्या है, आपको बताना है, प्रेरकत्व की इकाई क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हेनरी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। प्रतिबाधा की इकाई क्या है, आपको बताना है, प्रतिबाधा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, प्रतिबाधा भी लिखा जा सकता है, ओम की है, जो कि ये में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भौतिकी मात्रा एंट्रोपी की इकाई क्या है, तो एंट्रोपी की जो इकाई है वह जूल प्रति केल्विन है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है, तो भौतिक मात्रा जर्क की इकाई है मीटर प्रति सेकंड घन, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की टेस्ला है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, टेस्ला की एक इकाई है, अब क्या है, चुंबकीय प्लक्स, चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपके सामने सी, टेस्ला की इकाई चुंबकीय प्रेरण है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है, बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है, तो यह है न्यूटन बाई मीटर की न्यूटन मीटर के न्यूटन सेकंड के न्यूटन बाई मीटर वर्ग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर न्यूटन मीटर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्स, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है, तो संवेग की इकाई ऑप्शन नंबर आपके सामने ये सही हो जाएगा न्यूटन सेकंड, संवेग की न्यूटन सेकंड, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। भौतिक मात्रा धारिता
कैपेसिटेंस की इकाई क्या है, अभी अभी आपको पढ़ा है आपने कि कैपेसिटेंस जो है वो फैराडे की है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भौतिक मात्रा रेडियोधर्मिता गतिविधि की इकाई क्या है, तो रेडियोधर्मिता जो है ये आपको बताना है, तो ये बेकरल है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है, तो ऊष्मा की मैंने बताया जूल प्रति केल्विन है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस भौतिक मात्रा को सीमेंस में मापन किया जाता है, सीमेंस में मापन किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत चालकता। अगला प्रश्न आपके सामने, किस पदार्थ की मात्रा को मौलिक इकाई क्या है, किसी पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा को मौलिक इकाई जो होती है वो होती है मोल, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई जो है वह है ओम, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्मी, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है, तो लंबाई की माप की इकाई जो है वो आपको बताना है, ऑप्शन नंबर आपके सामने बी में दिया गया, बाइट जो है लंबाई की माप की इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है, तो आपेक्षिक घनत्व की इकाई होती नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता का एसआई इकाई क्या है, तो ध्वनि की तीव्रता का एसआई इकाई वाट प्रति वर्ग मीटर है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 7373 का, किस भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है, तो यंग का मापांक, तनाव, दबाव, ये तीनों का क्या है, पास्कल है, लेकिन जड़त्व आघूर्ण का नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की इकाई नहीं है, दूरी की इकाई नहीं है, तो प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई, पार्से, के तीनों है, लेकिन लांगसक नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई जो है वह है फर्मी मीटर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, एमटीएस, रेलवे, अन्य कोई भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर की जीके का डर खत्म हो जाएगा। इसमें वही प्रश्न रखे गए हैं जो हर पेपर में पूछे गए हैं और टॉपिक वाइज कवर किए गए हैं। इसमें इतिहास, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और नीचे देखेंगे जीव विज्ञान, संविधान, भूगोल, स्टडी, जीके के साथ 288 पेज में इस ई बुक को तैयार किया गया है। और इस ई बुक को आप देख सकते हैं कि किस तरह, जैसे यहाँ पे आप इतिहास देखिए, किस तरह वन लाइनर के रूप में एक एक की पॉइंट को रखा गया है, जो आपके लिए रामबाण साबित होगा, और इमेज और कलरफुल के साथ इस ई बुक को तैयार किया गया है, जिससे आपके अंदर पढ़ने की रुचि हो। और पढ़ने के बाद मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, आपके अंदर का पूरे का पूरा जो डर है जीके का वो खत्म हो जाएगा, और ये आपके लिए यह ई बुक रामबाण साबित होगी। अगर आप इस ई बुक को परचेज करना चाहते हैं, अपने अंदर के जीके का डर भगाना चाहते हैं, तो इस ई बुक को अभी मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं। इस ई बुक को परचेज करने के लिए आपको ये नीचे में आपको यूपीआई आईडी दिया गया है, पूजा BCIT05@OKSBI, इस पे आप 39 रुपये पे करके आपको इस नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड करना है, यहाँ पे आपको ई बुक सेंड कर दी जाएगी। अगर आपको नहीं पता है ई बुक हमें कैसे परचेज करनी है, तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, यहाँ आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो बल का न्यूटन सही है, कार्य का जूल सही है, द्रव्यमान का किलोग्राम ये भी सही है, दाब का डाइन गलत है, क्योंकि दाब का होता है पास्कल, तो इसका करेक्ट आंसर पास्कल होना चाहिए, तो डी इसका आंसर सही हो जाएगा। 77 का आंसर आपको बताना है, सूची एक तथा सूची दो को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए, तो इसका उत्तर आपको बताना है, सूची मिलाना है, तो यहाँ पे आपको देखना है, पहले आप देखना है यहाँ पे त्वरण, त्वरण किसका होता है, मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर बाई सेकंड स्क्वायर, तो ये का क्या हो जाएगा 4। बल, बल किसका होता है, बी, तो बल होता है न्यूटन का, तो बी का क्या हो जाएगा 3। ऐसे यहाँ पे कृत कार्य दिया गया, तो सी कार्य किसका होता है, जूल का, तो सी का हो जाएगा 1। अब ऐसे आवेग दिया गया, तो आवेग का होता है न्यूटन सेकंड, तो डी का हो जाएगा 2। तो ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने फिर है, इसको फिर आपको मिलान कराना है कि इसमें कौन सा सही होगा। तो उच्च वेग जो है मयक, ये पहला ये का एक ही सही दिया गया है। तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम का होता है, बी का भी दूसरा सही है, और दाब पास्कल का होता है, तो सी का भी तीसरा सही है, और ऊर्जा जूल का होता है, तो डी का चौथा सही है। तो ए का वन, बी का टू, सी का थ्री, डी का फोर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने फिर है, इसका उत्तर आपको देना क्या होगा। सूची एक को सूची दो से मिलाना है, तो यहाँ पे दिया गया है वाट, तो वाट किसका होता है आपको बताना है। तो वाट जो होता है शक्ति का मैंने बताया था, तो ये का क्या हो जाएगा चार। अब यहाँ पे नॉट दिखा गया है, तो नॉट किसका होता है, तो नॉट होता है समुद्री जहाज की गति, समुद्री जहाज की गति, तो बी का हो जाएगा तीन, बी का क्या हो जाएगा तीन। नॉटिकल मील किसका होता है, सी का आपको बताना है, तो यह होता है नौ संचालन का, तो सी हो जाएगा सी का दूसरा। ऐसे कैलोरी किसका, ऊष्मा का, तो डी का हो जाएगा पहला। तो ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर भी आपको देना है कि क्या होगा। यहाँ पे दिया गया तरंग दैर्ध्य ये, तो तरंग दैर्ध्य का क्या होता है एंगस्ट्रॉम, तो ए का क्या हो जाएगा दूसरा, ए का दूसरा। फिर यहाँ पे दिया गया ऊर्जा, बी पर दिया गया ऊर्जा, तो ऊर्जा का क्या होता है जूल, तो बी का हो जाएगा तीसरा। यहाँ पे दिया गया ध्वनि की तीव्रता सी में, तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किससे, डेसीबल से, तो सी का हो जाएगा चौथा। और आवृत्ति जो होता है डी, ये किसका होता है हर्टज का, तो डी हर्टज फर्स्ट पे है, तो डी का पहला। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको मिलान करना है, इसका उत्तर आपको बताना है कि क्या होगा 81 नंबर का। तो प्रतिरोध किसका होता है, तो प्रतिरोध होता है ओम का, तो ए का क्या हो जाएगा दो नंबर, ए का हो जाएगा दो नंबर। ऐसे आपका ऊर्जा दिया गया, तो ऊर्जा किसका है जूल का, तो बी का हो जाएगा तीन नंबर, बी का तीन नंबर। और शक्ति होता है वाट का, तो सी का हो जाएगा पहला, तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला, ऑप्शन ए में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, बिल्कुल सही है। एक अश्वशक्ति में 746 वाट होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। डेसीबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, ये भी सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ये भी सही है। सेल्सियस ऊष्मा की गलत है, ये जो बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, 83 का एक नैनोमीटर बराबर होता है, तो 10^-9 जो है एक नैनोमीटर के बराबर होता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं वही कंटेंट लेकर आता हूं जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने मित्र तक शेयर करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है। तो यह होता है एक एनएम से 100 एनएम के बीच, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर बताना है, 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, 6 फुट व्यक्ति की लंबाई की ऊंचाई नैनोमीटर में अगर हम व्यक्त करेंगे, तो 183 × 10^7 नैनोमीटर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना, 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो जो 10^-9 किसको बताया गया था, ये बताया गया था आपका नैनो के बराबर। और जो पिकोग्राम यहाँ पूछा गया, तो पिकोग्राम होता है 10^-12, ऑप्शन सी में दिया गया, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 87, 1 माइक्रॉन बराबर होता है, तो 1/1000 मिमी जो है मिलीमीटर, ये 1 माइक्रॉन के बराबर होता है, तो ऑप्शन सी में दिया गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 89 कि प्रकाश की गति क्या है। तो प्रकाश की गति है 3×10^8 मीटर सेकंड, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है,
तेल के एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, इसका उत्तर आपको बताना है, तो यह होता है 161 लीटर 159, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा, माप की इकाई से कौन सी, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, तो यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर, जो कि ए में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश रसायन में आइंस्टाइन एक इकाई है और इसका मान है, तो कितना मान है, 6.02 गुणे 10 के पावर 23 क्वांटा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आया होगा, मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।